और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर बीएड डीएड का जो आंदोलन था वो स्थगित हो गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, डीएड बीएड प्रशिक्षण संघ ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। नियुक्ति को लेकर ये आंदोलन वो करना चाह रहे थे, लेकिन इस आंदोलन को अब स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, सीएम हाउस का घेराव करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन इस आंदोलन को स्थगित किया गया है। नियुक्ति को लेकर करने वाले थे सीएम हाउस का घेराव, एएसपी सिटी और एडीएम रायपुर के साथ बैठक हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि बीएड और डीएड जो है संघ, इन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गई है। निधि, बीएड और डीएड संघ सीएम हाउस का घेराव करना जा रहे थे, लेकिन जब उनकी बात यहाँ पर अधिकारियों से हुई, उसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। जी बिल्कुल स्मिता, आपको बताना चाहेंगे कि काफी दिनों से जो नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड बीएड के आंदोलन तो जारी थे, लेकिन आज एक उग्र आंदोलन जो है वो हमें देखने का मौका मिलने वाला था, क्योंकि सीएम हाउस जो है उसका घेराव डीएड बीएड संघ के जो प्रशिक्षित विद्यार्थी हैं वो करने वाले थे। हालांकि इसमें प्रशासन ने अपनी अनुमति नहीं दी है, और जिस तरह से अभी की जानकारी मिली है कि एडीएम रायपुर और एसएसपी के साथ बैठक हुई है, और इसके पश्चात ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल लगातार जारी है, भीड़ की स्थिति नहीं बनानी है, ऐसे में जो डीएड बीएड संघ है उन्हें धरना प्रदर्शन के किसी भी तरह के आंदोलन की कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही एक अफवाह ये भी चल रही थी कि पुलिस द्वारा उन्हें पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी ही अगर हम बात करें तो डीएड बीएड संघ के कुछ पदाधिकारी जो है उन्होंने अपना एक बयान दिया है, और उस बयान में उन्होंने साफ किया है कि उन्हें कहीं कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। सभी जो है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल उनका जो धरना है वो अभी स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि सीएम हाउस का घेराव ऐसे कोरोना काल में करना और इसके साथ ही भीड़ की स्थिति पैदा करना कहीं ना कहीं कोरोना को दावत देने जैसा था। इस वजह से ही अभी तो फिलहाल ये जो कार्यक्रम था आंदोलन का वो स्थगित कर दिया गया है। सारे डीएड बीएड संघ जो है वो सुरक्षित है, उन्हें किसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी नहीं किया गया है और उन्होंने खुद ये बयान दिया है, लेकिन फिलहाल अगर धरना प्रदर्शन की बात करें तो उनका साफ कहना है कि लगातार प्रशासन द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे ये धरना ना कर सके और सरकार के समक्ष अपनी बातें ना रख सके। इस वजह से ही उनके इस प्रदर्शन को कोरोना का हवाला देकर स्थगित करवाया गया है, और उन्हें कोरोना का हवाला देकर लगातार इस धरना प्रदर्शन को ना किए जाने के लिए कहा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।